हेलो फैमिली, वेलकम है आपका विनय कोमल्स के चैनल के ब्लॉग पे। तो दोस्तों, सुबह हो गई है, दोपहर भी हो गई है, नाश्ता पानी हो गया है हमारा और हम नहा धो के फ्रेश हो गए हैं। और इधर देखिए, बहुत सारे कपड़े फैले हुए हैं। फैलाए कौन है? हमारे पति जी। तो कोई बात नहीं, हम इसको समेट देंगे, समेटने के लिए ही हम आए हैं। और हमारे पति जी कहाँ हैं? चलिए आइए, दिखाते हैं हम आपको हमारे पति जी क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं। और हाँ, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज जाके सब्सक्राइब कर ले विनय कोमल के ब्लॉग्स को। और दोस्तों, आइए हम आपको दिखाते हैं। कहाँ जा रहे हो जी ससवर के? कहाँ जा रहे हो ससवर के? ऑफिस के रेडी हो रहे हैं। बाल बहुत टूट रहा है यार, हेयर फॉल हो रहा है लग रहा है, ठंड में पता नहीं क्यों होता है। कहाँ जा रहे हो? इतना तैयार हो यार होके? सब ठीक ठाक है ना? ड्यूटी जा रहे हैं, टाइम देख रहे हैं कितना बज रहा है, 3:30 बजने वाला है। कोई बात नहीं, जाइए ड्यूटी जाइए। ये दाढ़ी दाढ़ी भी झाड़ा जाता है क्या? थोड़ा सा इसको शेप में करते हैं तो दिखने में अच्छा लगता है। ओ, ये बताओ खाना बना रही ना? खाना अब नहीं यार, अभी बस बनाने ही वाली हूँ, क्योंकि हम लोग थोड़ा लेट में सो के उठे हैं। क्योंकि ये पता है रात में, आपको पता ही होगा, ये इनका नाइट ड्यूटी था तो ये रात में काफ़ी लेट आए थे, तो इसलिए हम लोग सुबह लेट में सो के उठे हैं। 11 बजे उठे हैं ना जी हम लोग? 12 बजे तो हम लोग 12 बजे सो के उठे हैं। तो फिर उसके बाद नहाए धोए, चाय वाय पिए, फ्रेश हुए, 2:30-3 बज गए हैं। दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, 3:30 बज रहे हैं, मतलब 3:20 हो रहे हैं, अब इधर रेडी हो रहे हैं। ऐसे पहन के जाओगे? हाँ तो क्या, वहाँ जाके? हाँ वहाँ का, हाँ यूनिफॉर्म है ना, रेड शर्ट आप लोगों ने देखा ही होगा, जैकेट पहन लेंगे, सही रहेगा अपना यार। इसमें बड़े स्मार्ट लग रहे हो। अरे आपको पता है क्या, जिसकी शादी हुई रहती है, नहीं उसको ब्लैक नहीं पहनना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है। हाँ जी, पहन लिया हमने, नहीं बोला। हाँ तो क्या हुआ, आपको नहीं पहनना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा लड़कियों के लिए है, लड़कों के लिए नहीं है। क्या बात करो, लड़कियां लड़के लड़कियां अलग थोड़ी है। अरे मोदी जी ने बोला है बेटी बेटा एक समान। जा मोदी जी के पास मिल लो फिर। मोदी जी तो बहुत कुछ बोल रहे थे, पेट्रोल सस्ता कर देंगे, डीजल सस्ता कर देंगे। हाँ, मोदी जी का बात मुझे भरोसा ही नहीं है। अच्छा, इनको थोड़ा सा घूम घूम के दिखा देते हैं, पूरा ऊपर से लेके नीचे तक दिखा देते हैं। बस करो मोदी जी, जय जय। बात सो रहा है, मेरे एकदम पीछे पड़े हो कैमरा लेके, जाओ खाना पीना बनाओ। अरे अच्छे लग रहे हो यार, काम कर दियो, थोड़ा जूम करके दिखा दे। हाँ मुंह में डाल दो फोन। तो फैमिली, मैं रेडी हो गया हूँ और मैडम जी कहीं किचन में खाना बनाने, क्योंकि भूख लगी हुई। मैं खाना पीना खा के निकलता हूँ, शाम का टाइम होता है तो पहले घर से खाना वाना खा के निकलता हूँ। बाहर का भरोसा नहीं, वहाँ तो खाना मिलता है मुझे। चलिए देखते हैं क्या बनाती हैं किचन में। क्या जी, क्या बना रही हो? क्या बना रही हो? मूली के पराठे। मूली के पराठे? हाँ जी। ठंडे में तो मूली नुकसान करता है ना? नहीं नहीं नहीं, इसको बॉईल करके आप बनाओगे नुकसान नहीं करेगा, कच्चा नुकसान करता है। आपने बॉईल कर लिया है? बॉईल कर लिया है। ये मिर्चा है, लहसुन है, जाओगे पीसोगे क्या इसे? देखो हम जैकेट है, ठंड लगता है। आप दिल्ली में बातें करो, मैं आ रही हूँ। दिल्ली में ठंड आ गई है, चली गई मसाला पीसने। मसाला क्या, वही अदरक लहसुन और मूली है, तो मूली के पराठे बनाएंगे, खा के जाएंगे हम। भूख लगी बहुत तेज से यार दोस्तों, जल्दी आओ यार, बनाओ जल्दी से, तुरंत आओ। कितना बिखरा हुआ किचन में आप लोग देख सकते हैं, क्या करें यार, कह नहीं पाता कि हम थोड़ा सा हेल्प करा सकते हैं। बहुत टाइम की कीमत है। हमारा जैकेट कैसा लग रहा है आप लोग बताइएगा? गंदा लग रहा है, गंदा हो जाए जैसा हो, ठंड से बचा रहा है ना बहुत है। क्यों दोस्तों, ठंड में क्या है, ठंड ना लगे वही बहुत है। तो जल्दी आओ, दिखाते हैं कैसे बनाते हैं मूली पराठा। आप लोग बने रहिए ऐसे ही, वीडियो को छोड़ के मत जाइए, वीडियो को पूरा देखा करिए आप लोग। आप लोग क्या, अभी ठंडी तो पड़ी रही होगी, दिल्ली में ठंड बहुत पड़ता है, आप लोग को पता ही होगा। अरे गैस की बचत करो, गैस पहले ही जला दिया है वो मैंने, इसलिए जला दिया है ना क्योंकि मुझे ना वेट करने नहीं आता है। मेरा आटा जब तक इधर तैयार हो रहा है तब तक वो तवा जो है गर्म हो जाए। अच्छा, मेरा हर काम फास्ट रहता है। चीता हो क्या? चीता ही सही।
काम में शाम में चीता रहना ही चाहिए। ये पता है मुझे शादी से पहले चीता चीता बोलते हैं क्योंकि ना मेरा हर काम बहुत फास्ट रहता है। तुम्हारा नाम रख दो क्या, सुपर फास्ट एक्सप्रेस। हाँ रख दो यार, इंटरसिटी रख दो, सुपर फास्ट। हम सफर रख दो, हम सफर से हम लोग सफर करते हैं। मस्त लग रहा है तुम्हारा हरा हरा आटा। फाइनली दोस्तों हमारा आटा जो है तैयार हो गया है, अब इसको हम गोल गोल बेलेंगे, उसके बाद देखेंगे। ठीक है, वो भी दिखाएंगे आपको, बट जस्ट वेट। ओके एंड वॉच। ओके, अंग्रेजी आती है आपको थोड़ा बहुत? चलो थोड़ा बहुत तो आनी चाहिए, काम चलाना चाहिए। 3 महीने क्लास किए हैं, 3 से 4 महीने। सब भूल गई होगी ना? हाँ सब भूल गई, क्योंकि ना आप इसको ना पर डे अगर यूज करते रहोगे, बोलते रहोगे ना, तो एक हैबिट बन जाती है। जब आप बोलना छोड़ दोगे ना, तो सब दिमाग से निकल जाता है। ये बात सही कह रहे हो, तो हमारे माइंड से सब डिलीट हो गया है। तो चलो आप आटा गूंथ लो, फिर जब बेलना तब दिखाएंगे। ठीक है, तो इधर हरा हरा आटा रेडी हो गया है, फटाफट बेल रही है। चलो जी जल्दी खिलाओ, भूख लग रही है, ड्यूटी भी जाना है, लेट हो रहा है मुझे। अच्छा ये देखो टूट नहीं रहा है, मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, क्योंकि ना मैंने इसके पहले कचौड़ी बनाया है, लेकिन ये जो पराठे हैं ये कभी नहीं बनाया है, तो मैं ये बना रही हूँ फर्स्ट टाइम, मूली के पराठे, क्योंकि इनको थोड़ा ऑयल वगैरह कम पसंद है ना जी? बिल्कुल सही बात, डाइट पे है ये, और मोमो खाएंगे। मोमो नहीं खाते हैं, कुछ नहीं खाते हैं। तो क्या खाते हो? आपके हाथ का बना खा लेते हैं बस, वही मेरे लिए बहुत है। चलो जी खाओ। हल्का तेल लगाना ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल एकदम हल्का। ठीक है देखो इतना चले। हाँ बहुत है इतना, चलो जल्दी बनाओ आप। हाँ तो एक पराठा इनका रेडी हो गया, बड़ा अच्छा लग रहा देखने में यार, हरा हरा। ऐसे ही उसका भी बनता है, पालक का भी बनता है। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है यार, कसम से यार आप खाना बहुत अच्छा बनाते हो। थैंक यू, इसलिए तो आप शादी की हो। चलो तब साथ में सब बना, क्या देख के शादी की हो, सच सच बताना। प्यार करके शादी की है। अरे यार कुछ खाना बनाना अच्छा आता है तुमको, सब चीज लेके चलती हो, सब कुछ एडजस्ट करती हो, मैनेज करती हो। चलने से मुझे याद आया, आप क्यों वंदना दी हो, किट्टू दी के घर नहीं जा रहे हो, ये बताओ। अरे अभी बना लो तब बताते हैं, लेके चलोगे ना? पहले बना लो तब लेके चलेंगे, बताएंगे। अभी दिवाली भी बीत गया, आप तो चलो चलो बना लो, खा रहे तब बताते हैं। ओके ठीक है, बड़ा टेस्टी पराठा है यार, लेके आओ साथ में खाना खाते हैं। ठीक है हो गया, चलो मैं लेके आ रही हूं। मैडम फूले फूले पराठे बना रहे हो, बिल्कुल तुम्हारी तरह यार, जैसे हम फूले फूले हैं ना। हाँ एकदम तुम्हारी तरह फूले फूले पराठे बन रहे हैं, जल्दी किसी का फूलता नहीं है यार। चलो जल्दी बना लो यार, भूख लग रही है। आप ही की तरह फूले हैं, मेरी तरह आपकी तरह फूल गए हैं। तो जिसको ये रेसिपी देखना होगा ना, तो दोस्तों हमारे चैनल पे वो आप इनके चैनल पे जाइए, भी एंड के ब्लॉग्स पे इसकी रेसिपी है, उसपे मतलब बना के तो इस पे रही है, लेकिन उस बता देंगे उसपे कैसे कैसे मैंने क्या डाला है, क्या कैसे मूली का पराठा बनाती है। अगर आप लोग को रेसिपी इसका जानना है, बनाना है, अपने घर में सबको खुश करना है, खिलाना है टेस्टी, तो आप इनकी चैनल पे जाइएगा भी एंड के ब्लॉग्स, और इनको भी प्यार दीजिए, सब्सक्राइब करिए, तो उसपे आपको इनके चैनल पे मोस्टली यही सब मिलेगा, रेसिपी चीजें सारी इनके पे मिलेंगी, और बाकी जो हम तो आप लोग को एंटरटेनमेंट करते ही रहेंगे। दोस्तों मुझे पता है डेफिनेटली आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाला है, क्योंकि ये ऐसा है ना, और ठंड में के साथ खा सकते हैं। हाँ ठंड में तो यार ये सब चीजें बहुत मजा आता है। चाय के साथ खाइए, चटनी के साथ खाइए, मैंने अभी चटनी नहीं बनाई। आप मुझे खिला दो चटनी चाय, अपने बताना आप। ठीक है नहीं नहीं मैं बता दे रही हूँ, क्योंकि इनके पास टाइम है नहीं चटनी बनाने का, मेरे पास भी टाइम नहीं है। हम तो अचार से खा लेंगे यार। आप अचार से खा लो, चाय से खा लो, देखो ये भी फूल रहा है। आप फूल रहा है अब, चलो खिलाओ अब। ठीक है अरे यार कैसे फूल रहा है, एकदम बिल्कुल आपकी तरह देखो। ठीक है बेइज्जती कर रही है मेरे ने। अरे नहीं मेरी तरह, सॉरी यार मेरी तरह देखो, हम जैसे फूले फूले हैं। चलो ठीक है अच्छे। तो ये रहा हमारा गर्मा गर्म मूली का पराठा और अचार, साथ में दोनों खा रहे हैं, बहुत ही टेस्टी बना है। अरे रख के खा लो जी। अरे खा लेते हैं यार, टाइम भी नहीं है ना कि रख के खा लें, बराबर काम ही निकलेंगे हम, 4 बज गया है। ये दूसरे खिलाने में प्यार बढ़ता है। बहुत कम टाइम मिलता है कि इनको अपने हाथ से खिलाएं हम।
अगर खिलाते तो खाती जाती है। अपने हाथ से कम खाते हैं, इनके हाथ से एक इच्छा खाने की। वाह भगवान वाह, हम प्याज खिलाए हमको ललचा रही। तो दोस्तों खा लेते हैं, मिलते हैं आप लोग। नहीं हम भी प्याज करते हैं, हम भी खिला लें, खा के मिलते हैं और फिर इनसे सवाल का जवाब भी देंगे हम। मन्ना दी के हैं और क्रिप्टो के हैं, मैं अभी क्यों नहीं जा रहा हूँ, क्या रीजन है बताएंगे अभी आप लोग। तो दोस्तों हमने खाना खा लिया है, अब निकल रहे हैं ऑफिस के लिए। चले चलो बाय। क्या अपना खा लिया, मुझे तो खाने दो, खा लेते तब जाओ। तो खा लो, इतना बड़ा बड़ा खाते हैं हम, इतना। अरे हम बहुत जल्दी खाते हैं यार, पता है कि उनका मुंह ना बड़ा सा है और मेरा इतना बड़ा है, इसलिए बहुत मेकअप किए हैं हम। क्या क्या लगा, फाउंडेशन, कंसीलर, पागल हो क्या, कॉम्पैक्ट, कुछ नहीं लगाए हैं, लिपस्टिक बाकी है, कुछ नहीं बाकी है। चलो हम चल रहे, ठीक है। पहले बताओ क्यों नहीं जाते हो, खा लेना बताओ। कहाँ, वही। अरे क्या बताएं यार, फैमिली देखो आप लोग को पता है, इतना हम अकेले हैं, दो लोग हैं, जो भी काम करते हैं टाइम नहीं मिल पाता है। आप लोग को पता है हमारे ड्यूटी का क्या टाइम है, अगर और उनके हम जाएंगे तो फिर भागे भागे आएंगे जाएंगे तो क्या फायदा है। तो कभी जब छुट्टी रहेगा तो अच्छे से टाइम निकाल के एक दिन चल लेंगे आराम से। और दिवाली पे भी नहीं गए लोग, बहुत बुला रहे थे, वो लोग भी बोलेंगे कि देखो ये लोग बदल गए हैं। ऐसा बात नहीं, बदल नहीं गए हैं, हम बहुत बिजी हैं। और वो लोग भी बोलते हैं आने के लिए, तो हम भी मना करते हैं, अभी मत आइए। पता है कि मना करते हैं, क्योंकि दोस्तों आएंगे अकेली रहेंगी, कुछ मैनेज हो नहीं पाएगा। जब तक हम दोनों साथ नहीं रहेंगे तब तक कुछ मैनेज नहीं हो पाएगा। क्या होता है किचन में मैं बिजी, बाकी किचन का जो सामान होता है मैं लाता हूँ, नाश्ता पानी खाने का, तो मैं भी उनको मना करता हूँ अभी आप मत आइए, जिस दिन हम फ्री हो जाएंगे खुद ही बुलाएंगे, खुद ही चले आएंगे, आपको भी अच्छा लगेगा हमको भी अच्छा लगेगा। अगर स्वागत करिए किसी का तो अच्छे से पूरे मन से दिल से करिए, वरना मत करिए। तो मत करिए आप दोस्तों, मतलब जब से मैं घर आया हूँ तब से एक बार भी नहीं गया है, मैं वहाँ एक बार भी नहीं गया हूँ। हमारे मतलब मम्मी पापा भाई सब बोलते हैं क्यों नहीं जा रहे हो, हम बताते हैं मेरे पास टाइम नहीं मिल पा रहा है, मेरा ड्यूटी का टाइम ऐसा है। मुझे तो उस दिन हंसी आ रही थी, करवा चौथ वाले दिन आए पानी पिला के ड्यूटी, क्या करें इतना बिजी है अभी। अब गुस्सा बहुत आ रहा था, रोना आ रहा था, लेकिन क्या करें मजबूरी। आते हैं ड्यूटी से फिर सोते हैं, उठते हैं, चलते हैं। तो कोई बात नहीं, ये दिन छुट्टी रहेगा, बहुत जल्द हम उनके यहाँ जाएंगे, आप लोग को दिखाएंगे, और आप लोग जरूर हमारा ब्लॉग जरूर देखना जब उस दिन हम जाएंगे। कितना मजा आएगा जब साथ में तीन यूट्यूबर एक साथ में रहेंगे, कितना अच्छा लगेगा, वो भी हमारे घर की फैमिली है। कहीं ऐसा मत कर देना कि वहाँ पहुंचे ड्यूटी कॉल आ गया भैया आ रहे हैं हमें, नहीं तो उस दिन ऑफ रहेगा तब चलेंगे ना। तो बहुत जल्दी और बन्ना दी और किट्टो दी हमारा वीडियो देखती हूँ, उनको पता लगेगा कि हम जल्दी आएंगे। किट्टो तो आपकी दी है, मतलब एक तरह से दी बोलते हैं, थोड़ा रेस्पेक्ट करने से क्या होता है ना, अच्छा लगता है। मुझे आज तक पता ही नहीं कौन बड़ा है कौन छोटा है। नहीं मैं बड़ा हूँ, किट्टो छोटी है इनसे। अच्छा, तो जैसे क्या जैसे मैंने बन्ना दी बोल दिया तो किट्टो दी अपने आप निकल जाता है, तो ये माँ बाप का संस्कार है। मुझे पता चल गया कौन छोटा कौन बड़ा। अरे मैं बड़ा हूँ यार। तो दोस्तों बन्ना जी रेडी कर लो, किट्टो आप भी रेडी हो जाओ, मतलब तैयारी कर लो, हम आने वाले हैं बहुत जल्द। अच्छा अच्छा आइटम बना के खिलाना, बाहर से बिल्कुल नहीं खाएंगे हम। क्यों बाहर का हम लोग नहीं खाएंगे, हम लोग भी घर के बना के। अब दोस्तों हम ज्यादा टाइम आप नहीं लेंगे आप लोग से, क्योंकि मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है, तो हम निकल रहे अपने टिक टाक ड्यूटी के लिए। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। अपना पूरा ठूसली हमको बोल रही है। तो दोस्तों चलो आप अपने ब्लॉग में इनका रेसिपी बता देना, एक बार मैं फिर बता देना, BNK ब्लॉग्स पे आप जाइए। जो नहीं जानता है तो वो मुझे आप अकेले रहोगे, ब्लॉग बना के डाल देना कैसे कैसे क्या करना है, हम चल रहे हैं ऑफिस, ठीक है। बाय बाय, और जिन्होंने हमारी वीडियो लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज वो कर ले। आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज दबा के लाइक मारो, शेयर मारो, ठीक है। बाय बाय, बाय करो, बाय।